याद यारा जे आवे याद यारा अखां तां भर लैंदे आपे वक्त हो जाना है। सो हेलो वेलकम बैक टू गाइस। तो इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और जिन पे मिलियंस में व्यूज़ है। तो आखिरकार इन वीडियो को बनाते कैसे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ और 4K में आपको बना के दिखाने वाला। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिए। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है कि भाई गेम में जाने के बाद इस तरह का कोई भी क्लिप को आपको रिकॉर्ड करना है और वहाँ पर दिखाना है इमोट, और कोई भी आपकी मर्जी से इमोट दिखाने के बाद उसको खोलना है आपको कैपकट में। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में खोल सकते हो और उसको कहाँ पर भी खोलने के बाद और आपको वहाँ पर करना सेलेक्ट, और वहाँ पे जाने के बाद आपको उस वीडियो को कर लेना है ट्रिम, और आपके हिसाब से उस वीडियो को जहाँ पे भी वो इमोट दिखा रहा है कैरेक्टर तो वहाँ पे उसको ट्रिम कर लेना है और उस पार्ट को कर देना आपको डिलीट। और डिलीट करने के बाद आपको आना है फिर से, और आपको क्या करना है कि वापस से फॉर्मेट पे क्लिक करके और 9:16 का रेशियो लेने के बाद और उसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेना है वीडियो के हिसाब से, और कैरेक्टर को एकदम बीच में रखना है और कर लेते हैं वापस से। और इसको करने के बाद आपको एक बार और देख लेना है क्लिप को अच्छे से हो गया ना, दोनों को एक जैसा मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि वापस से थोड़ा सा देख लेना है क्लिप को, और वहाँ पे जाने के बाद आपको बड़ा करके वहाँ पे ले लेना है आपको एक स्क्रीनशॉट। तो गाइस आपको वहाँ पे जाने के बाद ऐसे जहाँ पे कैरेक्टर बैठा रहता है वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, या तो आप अपने गैलरी में जाने के बाद उसको क्रॉप कर सकते हो या फिर पिक्सार्ट जैसे एप्लीकेशन में जाके कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिक्सार्ट का यूज़ करने वाला हूँ, तो पिक्सार्ट में जाने के बाद मैं उस वीडियो को फ़ोटो को लेता हूँ और उसको लेने के बाद यहाँ पे करता हूँ उसको थोड़ा सा क्रॉप, क्योंकि फालतू पार्ट अपन को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसको करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लगेगा जिसको नाम है फ़ोटो लैब, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो और वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें मैं आपको प्रो वर्जन वाला दे दूँगा। और वहाँ पे जाने के बाद आपको उसमें ऑप्टिमाइज करना है AI के द्वारा करता है ऐप, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको उसमें लगाना है और वहाँ पे उसको कर लेना है अच्छे से, और अच्छे से होने के बाद उसको कर लेना है वहाँ से डाउनलोड। तो गाइस उसको कर लेते हैं अभी डाउनलोड पूरा, और पूरा डाउनलोड होने के बाद अपन वापस से आते हैं भाई साहब कैपकट की ओर। वापस से कैपकट में आने के बाद जो अपन ने अभी इमेज लिया था उसको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद उस इमेज को वहाँ से लेना है, और उस इमेज को लेने के बाद अच्छे से उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। उसको एडजस्ट करने के बाद अभी आपको एक फिल्टर लगाना है इसके बीच में, और आपको जाना पड़ेगा अभी एनिमेशन फिल्टर में। बेसिक में जाने के बाद आपको लेफ्ट राइट वाले एक एनिमेशन मिलेगा, उसको वहाँ पे लेना है, और उसको लेने के बाद आपको उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो कर देना है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्लो कर देना है जिससे वो आपका अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा। ओके, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका म्यूजिक है जिस पे आप लगाने वाले हैं उसको, उस म्यूजिक को लेने के लिए आपको गैलरी में जाना है और वहाँ से उस म्यूजिक को करना है अपन को सेलेक्ट, ठीक है। और उसको करते हैं अभी सिलेक्ट, और उसका अंदर से म्यूजिक निकाल लेते हैं और वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो गाइस अभी वीडियो को कर देते हैं डिलीट। वीडियो डिलीट करने के बाद आपको वीडियो को अच्छी तरीके से करना है एडजस्टमेंट। तो गाइस थोड़ा वॉल्यूम करके अप और देख लेता हूँ मैं भी, और ठीक है। तो भाई आपको इतना काम कर लेना है, और इतना सारा काम करने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना आगे से थोड़ा ट्रिम करके। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑडियो है ना उसके हिसाब से अपना ये हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे जो ब्रेकिंग ग्लास वाला ये इफ़ेक्ट लिया है वो ग्रीन स्क्रीन में लिया है, और अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर दूसरा चाहिए तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी इसका मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ट्रिम, और यहाँ से आ रहा है ब्रेकिंग ग्लास वाला, तो ठीक है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसको एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसकी क्वालिटी बढ़ानी है 4K में। तो भाई एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपको इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन और शार्पनेस इनको सभी को भाई थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देना है, और शार्पनेस को फुल करना है और पूरे पे अप्लाई कर लेना है, और ये आपका बन के रेडी है भाई पूरा का पूरा वायरल वीडियो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।